नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग फ्रेम है। आप जब भी अपना इमल्शन इस फ्रेम के ऊपर लगाते हो, लगाने के बाद एक्सपोज करते हो और उसे वॉशिंग करने के लिए लेते हो, तब आप देखते हो कि ये जो पोर्शन है जो आपने एक्सपोज किया है, उसमें से एक्सपोज वाले मैटर जो है आपका वो, और उसके साथ में कहीं ऐसे कुछ भी पैचेस ओपन होने लग जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो वो कारण आज हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि किस वजह से ये होता है और उसे किस तरीके से ठीक किया जाता है। सबसे पहले हम जो इसको हमने इमल्शन इस पे कोट किया हुआ है, इसको अब हम वॉशिंग करके देखते हैं और देखने के बाद इस पे क्या रिजल्ट मिलता है, उसके बाद में हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा कि जैसे ही हमने फ्रेम के ऊपर है उसमें हमने वाटर स्प्रे किया, तो जो इमल्शन हमने लगाया था वो पूरा निकल गया। तो ये कैसे होता है दोस्तों? तो इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं। सबसे पहला, जो भी आप इमल्शन और सेंसिटाइजर का रेशियो आपने आपके इमल्शन के बॉटल पे लिखा है या आपको पता है, वो आपको सही से मिक्सअप करना है, यानी सही रेशियो में आपको मिक्सिंग करके इमल्शन लगाना है। अगर सेंसिटाइजर आपका कम हो जाता है इमल्शन के साथ में, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं वॉशिंग करने के टाइम, जब आप उसको वॉशिंग करते हैं। दूसरा, इमल्शन लगाने के बाद जो भी आप अपने फ्रेम को सुखाने की टाइमिंग देते हो, वो आपको नोट करना है। मैं जो रेकमेंड करता हूँ, कम से कम आपको हेयर ड्रायर से 12 से लेके 15 मिनट आपको सुखाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल फैन के नीचे उसे सुखाना चाहते हैं, तो कम से कम 1.5 से लेके 2 घंटा तक नॉर्मल फैन के नीचे आपको उसे सुखाना है, और उसके बाद भी आपको चेक करना है कि वो उसमें कहीं बीच में उसके अंदर मॉइस्चर तो नहीं रुका है। अगर मॉइस्चर उसके अंदर होगा तो भी आपको ऐसे छोटे छोटे पैचेस आपके फ्रेम में वॉशिंग के टाइम पे निकल जाएंगे। तो ये दो चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको वॉशिंग करते समय प्रॉब्लम फेस होती हैं, उसका आज हमने सॉल्यूशन देखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप ऐसे ही टेक्निकल चीज़ों के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब जानना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट के ब्लॉग में जा सकते हैं। वहाँ पे एक टेक्निकल पेज ही बना हुआ है, उसमें आप अपने किस तरीके के सवाल सारे ढूंढ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, कुछ वीडियोस भी हैं वहाँ पे देख सकते हैं और अपना जो प्रिंटिंग प्रोसेस है उसे चालू कर सकते हैं। अगर आपके सवाल उसमें नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों आप हमें जो नीचे ब्लॉग में ही जो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस वहां पे डाल सकते हैं। तो नाम के साथ हम आपके क्वेश्चंस भी वहां पे प्रकाशित करेंगे और उसके आंसर भी वहां पे मिलेंगे। साथ ही उसी ब्लॉग में दोस्तों, ब्लॉग वाले सेक्शन में आपको वेबसाइट के साथ ही उसी वेबसाइट में दोस्तों एक जो पेज है हमारा फ्री डिज़ाइंस का, तो आप जाके वहां पे अपनी टी शर्ट्स की फ्री डिज़ाइंस भी वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और हम डेली की वहां पे डिज़ाइंस अपलोड्स कर रहे हैं, डेली के क्वेश्चंस वहां पे अपलोड कर रहे हैं, तो फ्री के डिज़ाइंस आप वहां से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रिंटिंग बिजनेस में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी उसके अलग चार्जेस नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद।